श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी दे सांझे उम्मीदवार साढ़े सत्कारयोग मनप्रीत सिंह एयाली साहब ने आपदे अज कागज इत्थे आके भरे आ, जिथे मैं समुचे वर्कर साहिबाना दा लीडरशिप दा इस गल दा बड़ा धन्नवादी आ, उन्हां नूं वधाई भी दिंदा। और अज दाखा हल्के दे वोटरां नूं, अपने बजुर्गां नूं, सत्कारयोग मावां नूं, भैणां नूं, नौजवान वीरां नूं बेनती करदा है कि ये वड्डी जंग दा जिहड़ा अज आगाज़ होया, जिहड़ी हुकमरान कांग्रेस है जिन्हें अहमद शाह अब्दाली ते जकरिया खां वाला रोल पंजाब दे वोटरां ते तशद्दुद करन दा जिहड़ा रूप अख्तियार कीता, अज दाखा दे लोकां ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी है कि पंजाब दे किसानां दी, पंजाब दे खेत मजदूरां दी, जिन्हां नाल वड्डा धोखा ते फ्रॉड कांग्रेस दी सरकार ने कीता, दाखे दे लोक ओह लड़ाई लड़नगे। उत्थी ओह लड़ाई जिथे किसानां दी ते खेत मजदूरां दी लड़नगे, उत्थे ओह लड़ाई पंजाब दे हर नौजवान दी भी लड़नगे जिहदे नाल इलैक्शन तो पहलां जिवें करजा माफ़ी का वायदा किसानी ते खेत मजदूरां नाल होया सी, दलित भरावां नाल होया सी, उत्थे नौजवानां नूं कहा सी मैं हर घर एक कैप्टन दूं। कैप्टन अमरिंदर कहिंदा सी मैं सहुं चुकी हर घर एक नौकरी पक्की। सो जद कोई कांग्रेसी आऊगा उहनूं इक्को गल पुछनी है कि उह वायदा कित्थे, जिहड़े फार्म भराए गए, जिहड़ी गुटका साहब की सहुं चुकी गई, श्री दमदमा साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों की सहु खा के जिहड़ा कांग्रेसी गुरु का नहीं बनिया, उन्हें पंजाब के लोगों का कितने बन जाए। नाल ही मेरी बेनती यह भी है कि कल्ली तुसी लड़ाई नौजवानों की ते किसानों की नहीं, साढ़े दलित भरावां की, जिन्हों का बहुत वड्डा शोषण ते धक्का उन्हां नाल होया, जिहड़ियां स्कीमां उन्हां लई लानियां सी, या साढ़े इंपलॉई वीर, या साडे किसान जिहड़ी खेती करदे आ, या इंडस्ट्री, या जिहड़ी सब तो वड्डी महंगी बत्ती हो गई, ये सारी लड़ाई अज पंजाब दे एक एक इंपलॉईज तो लैके नौजवान तो किसान तो दलित भरा तो अज सारे निगाह दाखे दे वोटरां ते, दाखे ते लोकां ते टिकाई बैठे कि ये सानू अज इंसाफ दवाउणगे। और इस लड़ाई च श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े उम्मीदवार एयाली साहब, जिन्हां नूं इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं, जिन्हां ने एक सरपंची तो लैके MLA तक का सफ़र वख-वख अहुदियां ते लोकां ने उन्हां नूं बिठाया, और इस हद तक कि उन्हां दे चंगे कम्मां नूं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी नूं भी सारे देश दे हिंदुस्तान दे जद एक सर्वे होया सी, चेयरमैन जिला परिषद जो इन्होंने वधिया काम किए सी, इन्हों ऑनर किया कांग्रेस के उस वेले दे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इन्हों ऑनर करता तो अज कांग्रेस दे कोल की रह गया, उन्हों का पैराशूट वाले बंदे का की बनना। और मैं समझदा कि जिहड़ा उन्हों का कैंडीडेट है, सब तो पहला तो वड्डी मैं समझदा मार है, निरादर है हर दाखे दे वोटर दा, कि उन्हां नूं कांग्रेस नूं कोई उम्मीदवार ही नहीं लभ्या, लोकल कोई कैबल ही नहीं दिसिया कांग्रेसी, एडे वधिया वधिया बंदे मेजर सिंह भैणी साहब, गुरदीप सिंह भैणी साहब, सत्कारयोग खंगूड़ा जी, आलीवाल साहब, एडे काबिल बंदे सन, मगर कांग्रेस की गिनती चो काबिल ही नहीं लगे, पता नहीं क्यों। और जिन्हों दिती है एक पैराशूट AC च रहने वाला मेरा वीर, उदा तो शायद मैनू नहीं हाले पता लग रहा कि वह बिलोंग किनू करता, हर जगह ती टिकट मंग लेंदा, मैं लगता उन्हूं पता लग जाए कि हुण टिकट मिल रही है जलंधर तो दिल्ली जाण दी, शायद उत्ते भी चढ़ जाए, उदा तो पता कोई पहला आनंदपुर साहब मंगते सही, कदे फरीदकोट के जम्मे, पता नहीं रहना कित्थे, आउणा कित्थे, जाणा कित्थे, जिहदा आपदा ही कोई स्टैंड नहीं, स्टेशन नहीं, उहने की करना। और अज जो भी कांग्रेस ने किया वो सारे फैसलों का बराबर का भागीदार भाईवाल एडवाइजर टू CM
ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਮਗਰ ਹੀ ਬੈਂਦੇ ਸਨ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਬਣ ਗਏ ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਲੋਕ ਜਦ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦਾਖੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾਖੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਚਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 500 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੁੱਕਡ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ 1500 ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋਬ ਫੇਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਉਹਨੇ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਏ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜੋਬ ਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ DA ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ PF ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 45,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ 15,000 ਕਰਤੀ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦਾ ਮਗਰ ਜੇ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਦਲਿਤ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ-ਛੋਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਰ PK ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਲ ਅੱਜ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਸਨ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਉਣ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਟਪਟੀ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ BJP ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ BJP 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਕਮਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਓਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਵੈਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਵੈਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਜੰਮਿਆ 2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਵਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ
ड्रग ओवरडोज डेथ्स नहीं हो रही कि किसान खुदकुशी रुक गई है। इस सारे बड़े सीरियस मुद्दे और पंजाब का माहौल खराब किया जा रहा है जिस गल की मैनू सब तो वड्डी चिंता है। भाईचारिक सांझ कम्यूनल हारमोनी, देखो जे स्टेट च पीस है ना जी उस स्टेट च प्रोस्पैरिटी है, तो जे पीस खत्म हो गई तो प्रोस्पैरिटी नहीं आनी। और मैं अज बड़े जुम्मेवारी तरीके नाल और अफसोस नाल ये गल कहना कि इंदिरा गांधी की जो पंजाब प्रति सोच सी ते अख सी अज उस गल तो फॉलो करन लग गई अज दी मौजूदा कांग्रेस। मैं कल भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तुसी रोज़ ये देख रहे हो कि ढाई साल से कोई इंडस्ट्री आई कदे थोनू प्रेस वाले वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो उन्होंने वजीर ने कोई वड्डा प्रोजेक्ट लाने ली थोनू सद्या कोई नींह पत्थर और उन्होंने इश्तहार ये गल जारी कर सच दसते हैं अंग्रेजी च करते हैं 50,000 करोड़ इनवैसटमेंट फर्मड अप, पंजाबी च कहते हैं इनवैसटमेंट आ गई। एक पास कह रहे हले गल्लां बातां चल रही 50,000 करोड़ की, दूजे पास कह रहे आ। मैं ये विधानसभा से सवाल पूछा, मैं कहा जी तुसी पच लाउण दा तां नीह पत्थर रख दें हो सड़क ते, ते मैं कहा एडे वड्डे वड्डे अदारे आ गए है ते किवें तुसी नीह पत्थर जां कोई उद्घाटन नहीं किया, जवाब नहीं है। मैं कहा लिस्ट दे दिओ जिहड़े वड्डे प्रोजेक्ट थोड़े कोलों आए, असीं भी जाके थोड़ा धन्नवाद करिए वधाई देवांगे कांग्रेस नूं, मगर आए क्यों नहीं, लोग आना क्यों नहीं चाहते पंजाब, इसलिए नहीं आना चाहते जिहड़ा माहौल अज पंजाब च बनाता। अज हिंदू सिख एकता भाईचारे सांझ कम्यूनल हारमोनी से एडा वड्डा खतरा पैदा करता है, रोज़ की खबर आनी शुरू हो गई है कदे असला इतों फड़िया जा रहा कदे उतों फड़िया जा रहा। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लोज रिश्तेदार 003 FIR नंबर 3/1/2019 जनवरी की एक खबर जदों FIR दर्ज होंदी यार उदों भी बॉम ब्लास्ट वाला मटीरियल यूज होया सी पिंड दी पंचायत दी इलेक्शन च, और मैं FIR नंबर थोनू ता कह रहा उहदे च पढ़ लिओ, उहदे च जिहड़े अक्यूज पाए गए सी उहदे च एक अमृतपाल सिंह सी, एक हरजीत सिंह सी, ते दूजा गुरजंट सिंह सी। ये जनवरी दी FIR च पाए गए, उस वेले कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप, मैं MP का नाम भी कल लिया, गुरजीत औजले दे नज़दीकी रिश्तेदार है गुरजंट सिंह, इंटरवेंशन की, एक्सपलोसिव एक्ट नहीं लगन दिता और परचे नू डीरेल किया गया और वो गल खुरतबुरत की गई। 9 महीने बाद जिथे उन्होंने एक्सपलोसिव दबाया सी जदों एक्सपलोसिव रिट्रीव करन गए वो ब्लास्ट होया, और उहदे च गुरजंट सिंह दी जिहड़ा 24 घंटे नाल रहिंदा सी हैल्प कह लो, सेवादार कह लो, दोस्त कह लो, जिहड़ा मर्जी कह लो, उहदी डैथ हो जांदी है। दो जिहड़े मरे हैप्पी ते विक्रम, गुरजंट दी अखां चले गईआं। गुरजंट कौन है? MP औजला साहब दे भरा दा रिश्तेदार, और वो भरा जिहड़े जिन्हां नाल इहनां दी सांझ। इहे जे लोकां नूं क्यों बचाया जा रिहा सी? 9 महीने पहलां जे एक्सपलोसिव एक्ट दा परचा दर्ज हो जांदा ते मौतां ना हुंदीआं। इन्हां कोल एक्सप्लोजन एक्सप्लोसिव मटीरियल आया कित्थों? अज तक ये खबर बाहर ही नहीं आई कि किसी कांग्रेसी का रिश्तेदार सी। मैं ये नहीं कहिंदा कौन इनवॉल्वड है कि नहीं इनवॉल्वड है, ये तो जांच एजेंसियां करनगियां, मगर इन्हां नूं ये गल्लां तथ्यां लुकोईआं क्यों गईआं प्रेस कोलों? कदे खबर लगी इस गल दी? और एक्सप्लोजन जद होया उहनूं लै गए हस्पताल, कहिंदे जी इहदा एक्सीडेंट होया, डाक्टर ने वेखदे सार कहता कहिंदा एक्सीडेंट नहीं एक्सप्लोजन केस है, उन्होंने मुंडे को उत्थों भजा के लै गए। और बड़ा ही रौला पिया इस गल का, कहण का भाव कि वह सारे ही तत्थ नूं दबाया गया, 9 महीने वो सच सामने नहीं आउण दिता। फिर आ दूजा गुलशन भगत जिला परिषद मैंबर है जी सिटिंग, उन्होंने टिकट दी आ थोड़ी अखबारों की खबर लगी है, आदि फोटो है अखबारों से खबर है, दूजी वड्डी फोटो विखा दे नहीं, जिला परिषद मैंबर है क्लोज एड ऑफ संगत सिंह गिलजिया, जिदे कोलों आ ड्रोन वाले मटीरियल च सारी रिकवरी हो रही है। आ गुलशन भगत है जी, आ गोल च आ संगत सिंह गिल जी, और एक अखबार की थोड़ी खबर च कह रहा हाँ वो एक पंजाब पुलिस कहती काला बैग फड़िया गया सीगा जिस एक्सप्लोसिव लभ्या, एक कहना हाँ काला बैग तो मेरे सामने ही फड़ाया। थोड़े सामने एंटी नैशनल काम हो रहा है,
देश द्रोह वाला काम हो रहा है, देश की पीस नू लांबू लाया जा रहा है। और इन्हां बंदियां दी साजिश की सी वो भी अखबार च आई है कि कोई ना कोई हिंदू लीडर या पोलिटिकल बंदे मार दिओ, उहदा मकसद की सी कि हिंदू सिख एकता ते फिर दरारा पा दो, ओह अस्सियां वाला काम फिर छेड़ दो। जद कांग्रेस दे लीडरशिप नोइंगली इह जे कम्मां नू सच नू दबावे ते पंजाब च तां 2.5 साल च मैं इही माहौल वेख्या, जां इधर कुछ हो गया जां उधर कुछ हो गया, इंडस्ट्री तां मैं लगदी नहीं वेखी। इन्हां हालातां च की वायदा कांग्रेस ने यह कीता सी और अज हालात की बनाते गए है पंजाब दे। पीसफुल जिहड़ा स्टेट मसा इन्ने खून खराबे तो बाद पीस मुड़ी सी, वाजपाई ते बादल साहब ने जिहड़ा हिंदू सिख एकता दा वड्डा प्रतीक सन, अज ओह पीस नूं फिर चैलेंजेस पै गए। ये सारी चीज़ां बड़ा एक चिंता दा विषय और ये सारी मुद्दे इस विधानसभा च लोकां नाल धोखा ते पंजाब दा माहौल खराब करना, पंजाब दी भाईचारक सांझ नूं लांबू लाना है, सारे मुद्दे रेड़े। सर एक बार बार तुहानूं टारगेट भी कर दिंदे साइड नूं पर्टिकुलरली बाउंस ते इलेक्शन लई। देखो आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट कि सच नहीं जी लुकना, सच दबिया नहीं जाना जी, जिन्ना मर्जी कोई सियासत कर ले। आ मेरा बयान तो नहीं है ना जी, वो अखबार कितने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने की बयान दिता, सियासत की श्रोमणी अकाली दल के नौ ते ते सच निकल आया मूँह तो, और सच निकलिया एक बार ही नहीं दो बार ही निकलता। आना खबर ही है आ इन्होंने बयान दिते, फिर कहते मैं बयान नहीं दिते, फिर जहाँ तक कह दें फिर एडिटर जा, मैं तो मानता एडिटर साहब एडे वे एडिटर साहब ने 50 साल जिन्हों की पत्रकारी की फील्ड से माहिरता है, थोड़े वांगू ही ने आए, मतलब सब जानते हैं रमेश विनायक जी कर दौ चैलेंज रमेश विनायक जी, फिर आपे रमेश विनायक जी दसनगे कि बोले से कि नहीं बोले से। मगर हुण जब सियासी घेरा पै गया तो फिर कहते मैं तो कैप्टन साहब तो हैरान है, एक पासे कहते जी CBI नहीं होनी चाहिए, फिर तुम लिखी क्यों जी CBI इनक्वायरी तुम क्यों लिखी, आ सारे केस NIA तुम क्यों दिते, आ NIA जेडे केस दिते है वो तो सेंट्रल एजेंसी है ना। तुम कह रहे हो कैप्टन साहब कन्फ्यूज ने, कन्फ्यूज नहीं है या कोई होर चला रहा सरकार, जान बचा रहे हैं हुण क्योंकि सच भी इन्हों पता की है, सच यही है जो इन्होंने लिखिया चिट्ठिया, मैं नहीं लिखिया चिट्ठिया, इन्हों की सरकार दी चिट्ठिया ने, असी तो प्रिविलेज भी लिया इस गल की कि तुम की लोगों मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों एडे संवेदनशील मुद्दे पर तुम पॉलिटिक्स करते हो। पहला भी की है कांग्रेस ने 84 की होया सी, श्री अकाल तख्त साहब से अटैक की सी, दो दे संदेश देना चाहती सी इंदिरा गांधी कि आई एम ऑल पावरफुल, जो कांग्रेस डिसाइड करूँ दैट इज़ वॉट इज़ राइट, और एक दूजा संदेश देना चाहती सी कि नोबडी इज अबाउट द गांधी फैमिली ऑफ कांग्रेस पार्टी। नहीं तो कोई तुसी आज तक सुनिया कि जिथे सरबत दे भले दी अरदास हुंदी होवे, जिथे हर फिरके दे लोग जाके उत्थे अरदासा करदे, अज भी जाके मत्था टेको मोस्ट विजिटेड साइट है वर्ल्ड दी, उत्थे तां भले दी गल ही हुंदी है, मानवता दे भले दी, इंसानियत दे भले दी, सरबत दे भले दी, उत्थे की लोड़ पै गई सी। उही राजनीति अज फॉलो हो रही है, कले भंबल भूसा पाओ, दो समुदायों लड़ा के रखो और माहौल तनावपूर्ण बना के आपका उल्लू सिद्धा करके पार जाओ। मगर यह होना नहीं जी, रब के भी रंग ने, रब ने भी सब कुछ रब के हाथ च भी होंगे, उही मुँह तो हम गल निकल रही और ये अगली गल भी कही, जब किसी ने पूछा तुम सीटा कि जितोंगे, कहते असी एक अद्धी जित जाइए तो बड़ी प्राप्ति हो, इसलिए तो सब कुछ मन्ने बैठे हो, तुम मेरे तो की पूछ लेना, मैं गरीब ने थोनू की दस देना, नाड़ी जी ने इस तरह जी। देखो मैं गल कह रहा ना जी, सच्चाई तक पहुंचो, गुनेगार नू फड़ो, गुनेगार ते कार्रवाई करो, असी पहले दिन तो क्या पॉलिटिक्स ना करो। किन्ने 2.5 साल निकल गए ना, साढ़े वेले तो 1.25 साल ही सी लास्ट, और उदो CBI। अज मैं ये भी थोनू स्पष्ट करदा जी, देखो एडा लोगों समझ, ये पंजाब दे लोगों कांग्रेस पार्टी मूर्ख समझती है,
एडा कन्फ्यूज करने की कोशिश करती है। हम मैं ऑन रिकॉर्ड गल कर रहा जी, आ खबर प्लीज कढ़ियो, आ मैं जो क्लिप कढ़ के लिया, राहुल गांधी अलोंग विद पंजाब कांग्रेस लीडर सबमिट्स मेमोरेंडम टू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मेमोरेंडम सबमिट होया नवंबर 19 की खबर है। मेमोरेंडम च की मंग करते हैं कि सानू पंजाब सरकार ते भरोसा नहीं, ए इनवेस्टिगेट, वी रिक्वेस्ट यू टू इंटरवीन अर्जेंटली एंड इंश्योर दैट अ जुडिशियल इंक्वायरी बी ऑर्डर्ड बाय अ सिटिंग जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दैट द इंक्वायरी बी कंप्लीटेड इन अ टाइम बाउंड मैनर। द डिमांड फॉर जुडिशियल इंक्वायरी कम्स फ्रॉम पंजाबीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर डीपली कंसर्न दैट द स्टेट डिवेलपमेंट इज बींग थ्वॉटेड बाय द बादल गवर्नमेंट। In such a serious situation, it is crucial that justice is upheld and rule of law is restored. ते ऐसी विधान सभा च की क्या सी कि मांग थोड़ी, ते ऐसी भी हो कहने कि तुसी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जज साहब तो कराओ। उस वेले सीबीआई नू केस दिते क्यों, क्योंकि इन्ना सारिया ने रौला पाया सी सानू पंजाब पुलिस ते भरोसा, असी तो पारदर्शिता चाहते सी उदों भी ते अज भी। ये हुण ये बयान कह दें कि मैं तो दित्या ही नहीं, मैं प्रणब मुखर्जी नाल फोटो कढ़ी जाना, आ खड़े आ जी राहुल गांधी तो लैके लीडर के नाम पढ़ते हैं जी सारे के जेडे जेडे गए कि लोड़ नहीं, आ पढ़ ही दिना। आ राहुल गांधी वाइस प्रेजिडेंट, शकील अहमद जनरल सैकटरी, हरीश चौधरी जेडे इंचार्ज सन, ए आई सी सी प्रेजिडेंट उदो प्रताप सिंह बाजवा, पी पी सी सी सुनील कुमार जाखड़, सी एल पी लीडर अंबिका सोनी, कैप्टन अमरिंदर सिंह डिप्टी लीडर लोग सभा, रजिंदर कौर भट्टल, अश्विनी कुमार एमपी, मनोहर सिंह गिल, रवनीत सिंह बिट्टू, चौधरी संतोख सिंह, किशोरी लाल शर्मा, कुलजीत सिंह नागरा, अश्विनी शेखड़ी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वरिंदर कटारिया, हंसपाल, शमशेर सिंह दूलो, महेंद्र सिंह केपी, जगमीत सिंह बराड़, लाल सिंह, विजेंद्र सिंगला, देश कुमार वे, डॉक्टर राजकुमार वेरका, अमरिंदर लाजी, लिस्ट गोज ऑन। ये उलो मिले से हूँ, ये तो भी भज गए। फिर आ मैं ये तो यह भी इन्हों की खबर आ एक दिन 16 नवंबर की है, आ राहुल गांधी जी बैठे उ जो गए उ की कह रहे हैं, कांग्रेस टेक्स अप सैक्रिलेज, फरीदकोट पुलिस फायरिंग डेथ विद प्रेजिडेंट। उ गल जो मैं पढ़ी है उ कह के आए, हूँ वो राजनीति करनी है, मकसद तो है ही नहीं होर कुछ, कांग्रेस का काम किया कोई नहीं। ये हुण ये कह देना कि यह भी झूठ है, क्योंकि जेड़ा विधानसभा से आके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी झूठ बोल सकते फिर तक किथे भी बोल सकते, कांग्रेस पार्टी जे उत्थे झूठ बोल सकती, जे मैनीफेस्टो का झूठ लोगों नाल कर सकते। घर घर फार्म किसी मुख्यमंत्री ने नहीं भराए जी, वायदा नहीं किया घर घर जाके, और जेड़ा घर घर जाके फॉर्म भरा के वायदा करके भज सकता है वो तो किसी चीज़ तो भी भज सकता। जे अज रजिस्ट्री का कागज कोई कवे इकरारनामा होया मैं मुकर गया तो फिर उस तो वड्डे झूठे तो की कराऊंगी, और अज उही सच्चाई सामने आ रही। और मैं अज भी कहना जी, ट्रूथ सच्चाई हर गुरु नानक नाम लेवा चाहता सच आवे, मगर पॉलिटिक्स कोई नहीं चाहता। और सच हुण आउणा जे हाईएस्ट अपने इत्थे जिहड़ी जुडिशियल सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट है, और जो वड्डे वड्डे केस होए सुप्रीम कोर्ट मोनीटर तो कांग्रेस नू की डर है। हाँ पॉलिटिक्स नहीं फिर इन्हों की चलनी, कदे सी बी आई नू दे दो कदे लै लो, जे सी बी आई थोनू नहीं चंगी लगती फिर तुसी क्यों केस आ दे जाने एन आई ए नू, वॉट इज द जस्टिफिकेशन। मैं कहना तुसी कहने इन्होंने कल बयान दिता दैट हरसिमरत कौर बादल शुड रिजाइन, आई थिंक कैप्टन अमरिंदर सिंह शुड रिजाइन फॉर फूलिंग द पीपल ऑफ पंजाब दैट वाई डिड ही गिव द केसिस टू एन आई ए। यू कांट चीट पीपल, फूल पीपल फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, एंड लोग ये गल समझ चुके हैं, लोगों ने गल्लां दे हुण सारी कुछ। हाँ शुरू शुरू च बड़ा काम सौखा सी, मगर हुण सच्चा तत्था तो सच्चाई तो भजना औखा हो जाना, लोगों ने घेर घेर पुछना। और ये जिहड़ा एसी लीडर आया निका कैप्टन, ये तो बेचारा एसी च रहने वाला, इहनूं तां बाहर मैं दाखे वाले नूं बेनती करदा ये जिथे भी जाऊगा इनू फुल एसी फैसिलिटी दो, एवें कुछ हो गया तो पता नहीं किनू जुम्मे अठरा दें। ये बेचारा तो गर्मी झलन जोगा ही नहीं, बेचारा नर्म जहा शरीर है, एवें कि पंगे नू पता नहीं किधरों की चक्कर चलाता, इन्होंने कोई चंगा ही नहीं लगे इन्हों कांग्रेस। मेरी तो उन्हें कांग्रसिया वीर भी हमदर्दी है, बैन साहब भी है
हाँ जी सर लोग इंसाफ पार्टी भी है चंगे चंगे बंदे दा नाम लै लो की गेमाल दी गल सियाने बंदे दी गल करो एडे सियाने सवाल पूछे ते जाके खीर ते काम ही रोड देखो आम आदमी ने ते कांग्रेस ने जिहड़े आम आदमी ने सारा फैसला करना है ना जी वो सारा जाखड़ साहब दे दफ्तर चो ही होना है पंजाब कांग्रेस भवन तो ही होना है देखो इट इज़ द बी टीम ऑफ द कांग्रेस तुसी कदे मैंने तुसी ना एडे सियाने हो असी तां तुहाडे सामने जीरो आ फेल आ मगर तुसी पता नहीं सवाल पुछन वेले कई बारी ढिल्ला छड़ दिंदे हो इन्हां दे 5-6 MLA आ मैं तां विधान सभा च भी कहा उत्थे सानू बोलन नहीं दिंदे फिर मैं कहा कॉन्स्टिट्यूशन उत्ते आ कि विधानसभा दे पंजाब दे कानून उत्ते ने जदों कोई MLA आपकी पेरेंट पार्टी छड गया सैक्शन 10 संविधान का बड़ा क्लीयरली कहता कि डिसकुआलीफाई होने चाहिए उस विधानसभा च हरियाणा की विधानसभा उस कंपलैक्स उत्थे तो जेडे INLD छड के JJP गए सी महीने के अंदर डिसकुआलीफाई हो गए कर्नाटका च कांग्रेस का स्पीकर सी रमेश कुमार साहब उन्होंने 18 करते मगर साढ़े वाले पता नहीं की एडा पिछों तारा खिंचिया हुई या की मजबूरी है सत्कारयोग ने बड़े चंगे ने वो कहते नहीं जी ये बढ़ती नहीं हले इस्तीफा सही नहीं आया हूँ मैनू कोई कहे कि खहरा साहब न इस्तीफा नहीं लिखना वो कहना मेरे तो सियाणा बंदा ही कोई मैं तो समझ नहीं आती एक पास जो तो सियाने हो या नहीं है दसो साडू कहदे लई जतीची च पाया दस दौ जे कितने हाथ जुड़े आ कि अंडर द टेबल गिव एंड टेक होया जो दस दौ मैं तो टेब उ क्या फिर जिस बंदे आ रोपड़ वाले MLA साहब की नो जी संधोआ उन्होंने ज्वाइन किने कराया वो फोटो तो तुम वेखी होनी किने ज्वाइन कराया CM साहब न खड़े हो स्पीकर साहब हूँ दसो वो फैसला लैन का की मसला खड़ा हो गया और आपकी पार्टी छड़ के चले गए उन्होंने डिसकुआलीफाई करो नहीं कहते यदा भी नहीं समझ आ रही हले फिर मानसा वाला बटर चिकन से की कुछ खा गया CM नहीं हले फैसला हो रहा वो दो प्रोफेसर देखो वो बलदेव जी वो प्रोफेसर ने न्याणे पढ़ाते रहे उन्होंने कहते उन्होंने इस्तीफा लिखना नहीं आता मैं तो समझ नहीं आ रही जी जब एडा घ्यो खिचड़ी गिव एंड टेक होया खड़ा है तो इतने भी तो उही कुछ होना काम एको ही होना मनप्रीत माड़ा अकाली माड़े भाजपा माड़ी बस काम है कि रल मिल के कांग्रेस निकल जाए चोर मोरी तो यह ना जितन किसे कदे तुसी उन्होंने सुनया कैप्टन साहब न भी माड़ा कहते उत्थे राहुल गांधी ते बीबी जी सोनिया गांधी ते अपना वो केजरीवाल साहब वो तो रल मिल के उत्थे इलेक्शन लड़न की भी गल करते ते धरने भी देंदे इसलिए तुसी ये गल्ला थोड़ा एडे सियाने हो दैट थोनू लग्या जी बदलिया कुछ स्टैंड गुरु जी साडे तां इक अद्धे ने हले बनना नहीं बनना हले काम शुरू है जेडे बने बैठे उन्होंने तो सवाल कर लो उन्होंने नहीं करते मजीठिए तो करी जाऊंगे सवाल जिम्मे मजीठिए जो पता नहीं की करते नंद देखो सब तो पहला तो मैं पार्टी का श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त साहब प्रकाश सिंह बादल जी का श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल जी का तह दिल तो धन्यवाद करदा कि पार्टी प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल जी उन्होंने वालों जो दिशा निर्देश आ सर दलजीत सिंह चीमा साहब उन्होंने इंचार्ज लाया गया वो सारी प्लैनिंग करके और सारी जी इलैक्शन असं लड़ा बहुत बहुत प्लैन ढंग के इलैक्शन लड़ा कल कल वोटर तक पहुँच करा कल कल वोटर बेनती करा जो पिछले समय श्रोमणी अकाली दल की सरकार वालों सब प्रकाश सिंह बादल जी की अगवाई के सुखबीर सिंह बादल जी की अगवाई के जो विकास के काम किए गए ने जो सहूलत लोगों को दिखाई गई वो अज लोग चंकी तरह समझते लेकिन अभी फिर भी घर घर तक लैके जावे लोगों को दसा तो 2.5 साल की सरकार की जी माड़ी कारगुजारी है ये लोगों तक सारा लैके जावे देखो असी तो अपनी लड़ाई लड़नी है ना असी अपनी तैयारी है पैराशूट रही आए कार रही आए जहाज़ रही आए उन्होंने सिरदर्दी है कांग्रेस वाले की पर जोड़े आते हैं ये इदा के बाहरी उम्मीदवार इन्हों तो लोगों का भरोसा बिल्कुल ही खत्म हो भरोसा नहीं करूँ कोई भी हर स्टेट का वक्रा माहौल हूँ साडा उस स्टेट ने संबंध इतने अकाली दल BJP एकजुट हैगी इतने कट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी दो सीटा लड़ रहे हैं अभी पूरी मदद कर रहे हैं उन्होंने इतने उन्होंने साड़ी करनी है।